टेक्सटर में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं टिप्स एंड ट्रिक्स जो है जियो फोन से रिलेटेड। आप जैसे बहुत सारे यूजर्स है जिसने जियो फोन तक खरीद लिया है, बट उनको जियो फोन से रिलेटेड सारी टिप्स और ट्रिक्स की जरूरत है। तो हम आपके लिए लाए हैं जियो फोन से रिलेटेड सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें अगर हम आपको मैं शुरुआत करता हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जियो फोन में स्पीड डायल सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 दबा के रखा है और यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है, कॉन्टैक्ट वॉज नॉट एडेड एज स्पीड डायल ऑन बटन 1 असाइन नाउ। मैं असाइन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो है मेरे दोस्तों कॉन्टैक्ट दिख जाएगी। यहाँ पे जो टेक्स्टर है मैंने ओके कर दिया और टेक्स्टर का जो है कॉन्टैक्ट सेव हो चुका है। उसके बाद अगर हम अगली में जाते हैं, नेक्स्ट जो टिप है वो आती है नंबर 5 दबाने पे। 5 दबाने के रखने पे जो है SOS मोड ऑन हो जाता है, जो इमरजेंसी में यूज किया जाता है। उससे जो है आपके करीबी लोगों को और सबको जो है और एम्बुलेंस या जो भी हो इमरजेंसी का कॉल लग जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है 0 दबाने पे। 0 दबा के रखने पे दोस्तों ब्राउजर खुल जाता है। ये देखिए, ये जो है मेरा फोन पे गूगल खुल गया। अगला जो आता है साइलेंट दबाने पे आता है। हैश दबा के रखने पे फोन जो है आपका वाइब्रेट मोड पे चला जाता है, साइलेंट मोड पे चला जाता है और वापस से हैश दबा के रखने पे फोन जो है नॉर्मल मोड में आ गया। अगला जो दोस्तों है यहाँ पे जो अगर आप देख सकते हो जियो मनी का लोगो है, अगर मैंने ये बटन दबा के रखा तो है जो यहाँ पे जो है जियो मनी ऐप खुल जाता है और आप उसे कॉन्फिगर करके यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो जियो दिख रहा है यहाँ पे, जियो का लोगो दबा के रखने पे जो है दोस्तों माई जियो खुलता है, जिसमें आप अपने जियो की सारी सेटिंग्स और अपने अकाउंट डिटेल्स और सब कुछ चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से अपने ऐप्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। ये जो बटन है ग्रीन बटन दबा के रखने पे दोस्तों जो है आपका लग जाता है वीडियो कॉल के लिए ऑप्शन। ये जो है जियो वीडियो कॉल ऐप खुल जाएगा और आप यहाँ से जो है आप किसी भी दूसरे जियो फोन यूजर को वीडियो कॉल कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है दोस्तों वो है एरो की से रिलेटेड। अगर मैंने अप एरो किया तो जो यहाँ पे जो चालू हो जाता है कंट्रोल सेंटर और यहाँ से जो है मैं दोस्तों टॉर्च, फोन साइलेंट, डेटा, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, वाईफाई, एयरप्लेन मोड, ब्राइटनेस, कैमरा सारा भी एक्सेस कर सकता हूँ। डाउन करने पे जो है दोस्तों खुल जाता है मेरा म्यूजिक, जिसमें मेरे सारे म्यूजिक मैं स्टोर कर सकता हूँ। फिलहाल मैंने मेरे फोन में कोई म्यूजिक स्टोर नहीं किया, इसलिए कोई म्यूजिक दिख नहीं रहा था। लेफ्ट साइड पे एरो करने पे मेरा मैसेजेस खुल जाता है और राइट साइड करने पे जो है दोस्तों कैमरा खुल जाता है। कैमरा में दोस्तों इसमें एक और फीचर है जो आप लोग नहीं जानते होंगे शायद से। अगर ये देखिए, जैसे मैंने ये यहाँ पे रखा है और मैंने ऑप्शंस पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन मिलते हैं रेयर एंड फ्रंट कैमरा के। उसके अलावा अगर मैं राइट साइड पे एरो करता हूँ तो यहाँ पे मुझे सेल्फ टाइमर का ऑप्शन मिलता है, जहाँ के मैं फोन कहीं पे भी रख के रख सकता हूँ और सेल्फ टाइमर पे मेरा फोन जो है रिकॉर्ड या फिर इमेज क्लिक कर लेगा। ये जो है दोस्तों ग्रिड ऑप्शन है, जैसे कि मेरे फोन पे आप देख सक रहे हैं कि ग्रिड के वजह से जो है दोस्तों आपको एक प्रिसाइज करेक्ट इमेज लेने का ऑप्शन मिलता है, आप सीधा स्ट्रेट इमेजेस लेने में कामयाब होते हैं। उसके अलावा जो दोस्तों और ऑप्शन मिलता है वो है गो टू गैलरी, जो यहाँ से आप डायरेक्टली गैलरी में जा सकते हैं और यहाँ से आप वापस वीडियो और फोटो मोड में स्विच कर सकते हैं। वीडियो मोड पे जाने पे दोस्तों यहाँ पे एक और जो है फीचर है जो आप शायद से नहीं जानते होंगे। यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब मैं इधर राइट साइड एरो करता हूँ आपको मिलता है रेजोल्यूशन, जो है लो, मीडियम और हाई। हाई करने पे दोस्तों अच्छी से अच्छी वीडियो क्वालिटी जो है रिकॉर्ड कर ली जाती है, अकॉर्डिंगली जो है वीडियो का साइज भी आपका चेंज होते जाएगा। दूसरा जो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे मिलता है आपको वापस मिलता है गो टू वीडियो एप्लीकेशन, जहाँ पे आप वीडियोस देख सकते हैं। मैं वापस फोटो मोड पे जाऊँगा और यहाँ पे जो है मैंने एक इमेज क्लिक किया। इमेज क्लिक करके मैं जो हूँ यहाँ पे से जाऊँगा गो टू गैलरी एप्लीकेशन। गैलरी में जो है जाके दोस्तों यहाँ पे जो दिखता है मुझे मेरा जियो फोन का, मैंने जो अभी एक इमेज क्लिक किया है वो। ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जब एडिट में जाता हूँ तो आपको मिलता है ये जो है सर दोस्तों ब्राइटनेस का है। ये जो है इसे आप रोटेट कर सकते हैं, इसे आप क्रॉप कर सकते हैं, इससे आप जो है अलग अलग तरीके के फिल्टर्स डाल सकते हैं अपने इमेज पे। ये जो आखिरी वाला है दोस्तों, इसमें अगर हम क्लिक करते हैं तो ये जो है इमेज को ऑटो करेक्ट कर देता है। तो जो इमेज को जो रिक्वायरमेंट रहेगी, अगर जो फोन है वो खुद से ही सोच लेता है कि उसको ब्राइटनेस की जरूरत है, किस कलर की जरूरत है, क्या जरूरत है, और अपने हिसाब से जो है इमेज को करेक्ट कर देता है। इसके बाद जो दोस्तों यहाँ पे जो है हमने सेव कर दिया और इमेज हो गया सेव। इसके बाद है जो दोस्तों दूसरा फीचर आता है वो है कॉन्टैक्ट से रिलेटेड। मैं कॉन्टैक्ट में जाता हूँ
तो अब जियो फोन में मुझे हर कॉन्टैक्ट को अपने हिसाब से मैन्युअली डालने की ज़रूरत नहीं है। आप सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग्स में जाके जो दोस्तों यहाँ पे आपको सेट स्पीड डायल ऑप्शन कॉन्टैक्ट है, सेट आईसी कॉन्टैक्ट्स है, यहाँ पे जो आपको मिलता है ट्रांसफ़र का। इम्पोर्ट कॉन्टैक्ट्स मतलब आप कॉन्टैक्ट्स को अंदर लाओगे, एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स मतलब आप कॉन्टैक्ट्स बाहर भेजना चाहते हो। इम्पोर्ट कॉन्टैक्ट्स पे जाने पे मुझे ऑप्शन मिलता है यहाँ पे सिम कार्ड का, मेमोरी कार्ड का, जीमेल और आउटलुक। जीमेल में मैं अगर दोस्तों अगर मैं अपना लॉगिन करता हूँ तो मैं अपने जीमेल अकाउंट से जियो फोन में डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट्स जो है दोस्तों इम्पोर्ट कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन में आपको जो मिलता है वो आप यहाँ से सिम कार्ड में मैं गया, समझ लो मैंने टेक्स्टर सेलेक्ट किया, एक्सपोर्ट पे गया और यहाँ पे जो है मेरा एक्सपोर्ट हो जाता है सिम कार्ड के, ठीक है। आगे जब हम जाते हैं दोस्तों तो आता है ब्राउज़र से रिलेटेड ट्रिक्स एंड ट्रिप्स आपके लिए। मैं फिर से यहाँ पे जो है ज़ीरो दबा के रखूँगा और जो मेरा दोस्तों ब्राउज़र है वो खुल गया है। अभी जो है यहाँ पे डायरेक्ट जो ब्राउज़र खुलता है वो वेबसाइट खुलती है वो google.com। बट अगर आप एक ऐसे यूज़र हो जिसको स्पेसिफिक वेबसाइट्स एक्सेस करनी होती है, फॉर एग्जांपल मी, तो मैंने जो है यहाँ पे यूट्यूब को जो है दोस्तों पिन करके रखा है। यहाँ पे जो मैं यूट्यूब में गया, क्लिक किया और यहाँ पे यूट्यूब खुल गया। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मेरा दोस्तों यूट्यूब खुल गया और मैं ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ यूट्यूब से। दोस्तों एक और जो आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक है वो है, अगर समझ लो मैं इस वीडियो में जाता हूँ और मैंने लॉगिन करके रखा है तो दोस्तों मैं जो है वीडियो को जो हूँ ऑफलाइन मोड में सेव कर सकता हूँ। फिलहाल मैंने जो है लॉगिन नहीं किया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आप कोई और वेबसाइट को अपने पिन करके रखना चाहते हो टॉप वेबसाइट में, तो मैं अभी यहाँ पे डालूंगा फेसबुक डालूंगा फॉर एग्जांपल। पहले हम फेसबुक सर्च करेंगे, एफ ए लिखते ही जो है मुझे यहाँ पे फेसबुक मिल गया, फेसबुक खुल गया, फेसबुक सर्च हो रहा है गूगल पे, m.facebook.com मैंने ओपन किया है और फेसबुक खुल गया। अभी अगर मैं चाहता हूँ मैं फेसबुक को अपने टॉप वेबसाइट्स पे पिन करूँ तो यहाँ पे जो है पिन टू टॉप साइट्स पे मैं क्लिक करूँगा और ये जो है पिन हो चुका है। अभी मैं जाऊँगा गो टू टॉप साइट्स पे जाने पे मुझे यहाँ पे दिखती है फेसबुक, यूट्यूब। इसके अलावा जो दूसरा फीचर दोस्तों है यहाँ पे जो अगर आपको टिप मैं दूंगा उसमें जो है दोस्तों ब्राउज़र में समझ लो आप कहीं पे लॉगिन करते हो और आपको OTP आ रहा है, तो मैं अगर दूसरी जगह पे देखा जाए तो आपको इधर वो एप्लीकेशन में जाना पड़ता है जहाँ, क्योंकि नोटिफिकेशन सेंटर में जो है आपको OTP डायरेक्टली दिखता नहीं है और आपको मैसेजेस में जाना पड़ता है। जियो फोन में जो एक एक्स्ट्रा फीचर दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन में जाओगे व्यू मैसेजेस का ऑप्शन देता है जहाँ पे डायरेक्टली आप दोस्तों यहीं से आप फटाफट OTP सेलेक्ट कर सकते हो, जो मैसेज आया बैक करने पे वापस आप ब्राउज़र में चले जाते हो। इसके बाद अगर आप कहोगे कि मुझे मेरी ब्राउज़र हिस्ट्री जो है क्लियर करनी है, उसके लिए दोस्तों आप जाओगे आपके जियो फोन के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने पे आप जो है दोस्तों जाओगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आप नीचे का अगर आप एकदम नीचे जाते हो तो आपको मिलता है ब्राउजिंग प्राइवेसी। ब्राउजिंग प्राइवेसी पे जाने पे मैं यहाँ पे जो है क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री क्लिक करूंगा, क्लियर क्लियर कुकीज एंड स्टोर डेटा क्लियर। इससे जो है दोस्तों जितना भी स्टोरेज खाता रहेगा अगर मेरे डेटा के वजह से या फिर जो भी मैंने एक्सेस किया उस वजह से ये सारा भी डिलीट हो जाता है। इसके अलावा जो यहाँ पे दोस्तों मिलती है ऐप परमिशन जो आपको जो नोटिफिकेशन आते हैं आप यहाँ पे आके सेट कर सकते हो कि आपको कौन सा ऐप को परमिशन देना है, कौन सा ऐप को नहीं देना है। उसके बाद दोस्तों जो आता है दूसरा है स्टोरेज का। यहाँ पे जो है मैंने फिलहाल कोई SD कार्ड नहीं डाला है, बट अगर आप यहाँ पे SD कार्ड डालते हो तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको डिफ़ॉल्ट कौन सी जगह पे अपने डेटा को सेव करना है SD कार्ड में। बैटरी में जाने पे यहाँ पे जाते हैं तब हमें यहाँ पे मिलता है पावर सेविंग मोड, टर्न ऑन ऑटोमेटिकली ऑन 15% और ऐसे एक्सेट्रा। यहाँ पे जो मेरी 18% बैटरी है मैं इसको ऑन कर दूंगा, ये मेरा पावर सेविंग मोड ऑन हो गया। बट अगर आप देखते हो मैंने ऑफ किया तो यहाँ पे जो है मेरा पावर सेवर जो है 15% बैटरी जब बची रहेगी तब खुद से ही पावर सेव पर। उसके इसमें जो आपको ऑप्शन मिलता है वो 5%, 10% एंड नेवर, मैंने 15% की रखी है, 15% होते ही जो मेरा फोन है वो पावर सेवर मोड में चले जाएगा। तो दोस्तों ये मैं लाया हूँ आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स जियो फोन से रिलेटेड जो आपकी जियो फोन के यूसेज को बहुत ही ज्यादा ईजी और स्मूथ कर देगा। ऐसे ही न्यूज और ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।